सबसे पहले हमें सिलेबस को देख लेना चाहिए, अपने इंटरेस्ट्स को देख लेना चाहिए और पास्ट स्कोरिंग ट्रेंड को. जेंडर स्टडीज़ 2016 में हमारे सिलेबस में ऐड किया गया था और तब से इट हैज़ बीन स्कोरिंग बट नॉट हाई स्कोरिंग. ठीक है, अच्छा स्कोर आ जाता है और वो उन लोगों का आता है जिन्हें अटेम्प्ट करने का तरीका है. तो 60s और अर्ली 70s तक स्कोर आ जाता है. अच्छा, सिलेबस को हम देखें तो फर्स्ट लाइक मोस्ट सब्जेक्ट्स इन CSS हम पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है और इसका स्कोप क्या है. उसके बाद फिर हम थेरीज को देख लेते हैं, जिस तरह जेंडर स्टडीज़ में आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद कोई वेस्टर्न थेरीज है, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, फिर कुछ और फैक्टर्स हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, केस स्टडीज़ हैं आपके और जेंडर बेस्ड वायलेंस है. If I tell you to take gender studies, you should come with an open mind. क्योंकि जो gender studies का syllabus है वो काफ़ी modern है. कुछ लोग जो हैं काफ़ी हमारे students डर जाते हैं, but हम सब adults हैं तो हमें इसे सिर्फ इस angle से नहीं देखना चाहिए कि अच्छा मेरा CSS pass हो जाएगा या नहीं. हाँ हो, ये होना चाहिए आपका सोच, लेकिन ये भी देखें कि what are you learning from it as an adult. अच्छा, फॉर CSS स्पेसिफिकली कुछ बुक्स मैं रेकमेंड करूँगी. एक तो है रोजमेरी टोंग की किताब, FPSC की रेकमेंडेड लिस्ट में, वो आप देख लें थेरीज के लिए. उसके अलावा है 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर, वो किताब आपके मेन कॉन्सेप्ट्स क्लेरिफाई करने के लिए. उसके अलावा फिर कुछ आर्टिकल्स हैं फरजाना बारी के और एकेडमिक आर्टिकल्स हैं. ठीक है, यू नीड टू यूज़ यूनिसेफ, USIP, UN Women, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब के आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे. गेट द न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज आर्टिकल्स एंड यूज़ देम एज सोर्सेज इन योर पेपर. जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, रिमेंबर यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अभी मैंने मार्क्स चेक किए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये समझ ही आ रही थी कि हम सवाल को डिवाइड कैसे करें. पहले पोर्शन को उन्होंने, हम बोलें कि 10 हेडिंग्स दिए और दूसरे पोर्शन को 2 हेडिंग्स दिए. उसके अलावा मैंने देखा है कि जार्गन के मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की मिस्टेक है. जिस तरह ऑटोनोमी वर्सेज इंटीग्रेशन पे सवाल था तो उसमें लोग बोल रहे थे कि एक इंडिविजुअल ऑटोनोमस हो या एक इंडिविजुअल इंटीग्रेटेड हो. हम इंडिविजुअल का नहीं पूछ रहे, हम सब्जेक्ट का पूछ रहे. सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. यूज सोर्सेज, यूज रेफरेंसेज, डू नॉट मेक अ कोटेशन और साइटेशन इन योर पेपर अनलेस यू स्पेसिफिकली कोट कि उसका सोर्स क्या है. फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन. मैंने खुद देखा है, जब मैं मार्क्स चेक करी थी मेरे पास हर डिटेल को पढ़ने के लिए टाइम नहीं था. मैंने मेनली हेडिंग्स पे फोकस की, उसके अलावा मैंने सोर्सेज चेक किए और आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. अगर आपका प्रेजेंटेशन नहीं होगा अच्छा तो आपके एग्जामिनर के सर में दर्द हो जाए, उसे कहें बस जॉब मैंने चेक ही नहीं करना. ठीक है, सो फोकस ऑन सोर्सेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, हाउ यू डिवाइड द क्वेश्चन एंड योर प्रेजेंटेशन. CSS पास करना जो है ना, ये नसीब की बात है. मैं बोलूँ 90% नसीब है एंड 10% इज़ योर हार्ड वर्क. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे लाइट लें. ठीक है, पुट ऑल ऑफ योर एफर्ट इन इट ताकि कल अगर आपका ना होना, यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज और आप खुद पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, बी डिटर्मिंड एंड बी कंसिस्टेंट एंड मे अल्लाह ग्रांट यू ऑल द सक्सेस यू डिजर्व इन योर लाइफ्स एंड बेस्ट ऑफ लक.